नमस्कार, मैं हूं अलका नेगी तोमर। आज हम व्याख्या करेंगे पी बी शेली द्वारा रचित एक छोटी कविता म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई की। पी बी शेली रोमांटिक पोएट हैं। 1792 में जन्मे शेली अपने 30 वर्ष के अल्प जीवन काल में ही साहित्य का एक खजाना रच गए। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से कुछ हैं ओज़िमेंडियास, ओड टू द वेस्ट विंड, एडोनिस, स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन, टू अ स्काईलार्क, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई आदि। हमारी आज की कविता लिरिक पोएट्री में आती है। इस कविता में शेली सौंदर्य, प्रेम व विरह के विषय में कह रहे हैं। शेली के विचार से सौंदर्य में अमरत्व निहित है, प्रेम सदा एक सा रहता है, शारीरिक दूरियां बढ़ने पर भी प्रेम बना रहता है। सुनते हैं यह कविता। म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई वाइब्रेट्स इन द मेमोरी, ओडोस व्हेन स्वीट वायलेट्स सिकन लिव विद इन द सेंस दे क्विकन। यहाँ कवि कहते हैं कि जब मधुर स्वर दबने लगते हैं, तब भी उनकी ध्वनि सुंदर संगीत के समान हमारे मन में प्रतिध्वनित होती रहती है। मीठी सुगंध वाले वायलेट के फूल जब मुरझा जाते हैं, तब भी हमारे अंतस में उनकी सुगंध बसी रहती है और हमारी ज्ञानेंद्रियों को तीव्र गति देती रहती है। यहाँ पर कवि कीट्स की कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर की तर्ज पर कवि बात कर रहे हैं। रोज लीव्स व्हेन द रोज इज डेड आर हीप्ड फॉर द बिलवेड्स बेड एंड सो दाय थॉट्स व्हेन दाउ आर्ट गॉन लव इटसेल्फ शाल स्लंबर ऑन। यहाँ पर शेली अपूर्ण प्रेम की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि गुलाब की पंखुड़ियां मुरझाने के बाद भी सुंदर और सुगंधित होती हैं, इसलिए प्रेमी की शैया पर बिछाई जाती हैं। इसी प्रकार अपूर्ण अनछुए प्रेम की पंखुड़ी मुरझाने के बाद भी प्रेमी के विचारों में जीवंत ही रहती है। इन सुंदर विचारों व स्मृतियों में प्रेम स्वयं सोया करता है। शेली का प्रेम अमरता की ओर संकेत करता है। विरह की अवस्था में भी प्रेम की संकल्पना व प्रेमी का ओज स्मृति में बना रहता है और सामाजिक दूरियां बढ़ने पर भी प्रेम का वह अनुभव अपने सौंदर्य एवं सुगंध के साथ प्रेम का बिछोना बन जाता है। इस सुंदर कविता के साथ ही आज की बात को यही रोकते हैं। शीघ्र मिलेंगे एक नए कवि नई कविता के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।